नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम पेज नंबर 88 पे जो भी काम दिया हुआ है हम उसको करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रोटी एक, नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो। बच्चों, रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे कि कोई रोटी को चपाती बोलता है और कहीं कहीं पे रोटी को फुलका बोलते हैं, कहीं पे रोटा बोलते हैं। और जैसे फुलका है ना, ऐसे ही फुलकी या फुलको ये भी बोलते हैं। अब आप बताइए कि आपके घर में रोटी को क्या बोलते हैं। जो भी बोला जाता हो ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अगला है, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। रोटी बनाने में सबसे पहले हमें आटा सानना पड़ता है ना, तो आटा सानने को क्या कहते हैं। मेरे घर पे तो उसको बोलते हैं आटा गूंधना। आपके यहाँ पे जो भी बोलते हो ना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और बोलते हो ना, तो आप वो यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, और अगर इनमें से ही कुछ बोलते होंगे तो आप इन पे निशान लगा दोगे। चलिए अगला देखते हैं। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे। गुरुजी क्या पिसवाने लेके जा रहे थे। गेहूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे। गेहूँ के आटे की रोटी। अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। ये काम आपको करना है, अपने घर के बड़ों से पूछना कि गेहूं के अलावा और किस किस चीज़ की रोटी बनती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रोटी क्या ऐसे बनेगी। यहाँ पे रोटी बनाने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। हमने रोटी बनाने की विधि की है ना, उसमें देखते हैं कि रोटी ऐसे, यहाँ पे लिखा है आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे। बच्चों बताओ, पहले गेहूं को पिसवाएंगे पहले आटे को सानेंगे। अगर घर पे आटा ही नहीं है तो हम रोटी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला काम कौन सा हो जाएगा, गेहूं को पिसवाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि नहीं तो फिर कैसे, हमें इनके सही क्रम से लगाना है। चलो इनको सही क्रम से लगाते हैं। आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। चलो अब इनको क्रम से लगाते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, गेहूं को पिसवाएंगे। गेहूं को पिसवाने के बाद क्या करेंगे, आटे को सानेंगे। आटा सानने के बाद हम क्या करेंगे, चकले पर बेलेंगे। चकले पर बेलेंगे। चकले पर बेलने के बाद क्या करेंगे, उसको तवे पर पकाएंगे। तवे पर पकाने के बाद क्या करेंगे, आग पर फुलाएंगे। और जब रोटी आग पर फूल जाएगी उसके बाद क्या करेंगे, गरम गरम खाएंगे। यस, तो हमने इसको क्रम से लगा दिया। अगला देखते हैं कि गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। जब आपके घर में कोई रोटी बनाएगा ना, तो आप देखना कि वो रोटी कैसे बेल रहा है। ठीक है, अगला है, रोटी बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। चाय बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए और लस्सी बनाने के लिए।
रोटी बनाने के लिए हमें रोटी बनाने की पूरी विधि लिखी थी। तो चाय बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पहले पहले चायदान में पानी रखेंगे, उसके अंदर चाय पत्ती डालेंगे, अदरक डालेंगे और उसको थोड़ा सा पानी को उबलने देंगे। जब पानी उबल जाएगा तो उसमें क्या डालेंगे, दूध डालेंगे, और जब चाय अच्छे से उबल जाएगी तो उसमें चीनी डाल देंगे। थोड़ा सा और उबाल के गैस बंद कर देंगे, चाय बन जाएगी। ऐसे ही आप सब्ज़ी बनाने की विधि, दाल बनाने की विधि, हलवा बनाने की विधि और लस्सी बनाने की विधि अपने घर में पूछेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।